हैदराबाद का मशहूर फिश पॉइंट ब्रीज फिश पॉइंट और इनकी ब्रांच जो है कराची के अंदर भी खुल चुकी है। तो आज हम आपको यहाँ की फेमस मछली जो है वो ट्राई करके इसका रिव्यू देंगे। ये जो आप मछली देख रहे हैं ये सांगड़ की बड़ी मशहूर मछली है और इसका नाम है रोहू। और ये जो मछली का साइज़ चेक कर सकते हैं आप, ये अराउंड 4.5 किलो के करीब जो है इसका वेट है। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप जब आएँ तो अपने सामने जो है वो फ़िश पसंद कर सकते हैं और फ़िश पसंद करें अपने सामने जो है वो इसको कटवाएं। और फिर आपके ऑप्शन हैं आपके सामने कि आप जो है वो ग्रिल करवाएं या इसको फ्राई करवाएं। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो फ़िश जो है वो कट रही है। और जहाँ तक इसके कांटों की बात है, इसके अंदर जो है वो एक बड़ा कांटा होता है जो कि आप जब खा रहे होते हैं तो ईजिली आप जो है वो अपने आराम से हाथों से रिमूव कर सकते हैं। छोटे कांटे इसके अंदर नहीं होते। और जहाँ तक बात है इसके ऊपर नमक लगाने की, आप देख सकते हैं इसके ऊपर इन्होंने पहले से जो है वो 10-15 मिनट पहले नमक लगा के रख देते हैं ताकि इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है और इसके ऊपर से स्मेल जितनी भी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये इनके एक तरीकेकार है जब फ्राई कर रहे होते हैं, ये घर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो मछली देख रहे हैं आप दरिया सिंध की बड़ी मशहूर मछली है और हर कोई जानता है ये पल्ला मछली है। और 2000 रुपये पर केजी इसको जो है वो आप खा सकते हैं और बहुत ही नायाब मछली होती है। नायाब होने की वजह यह है कि ये पूरे साल में सिर्फ 2 से 3 महीने जो है वो अवेलेबल होती है, उसके बाद जो है वो नहीं होती। तो ये हैदराबाद की जो है वो फेमस मछलियों में से एक मछली है और यहाँ पे लोग उसकी कढ़ाई और इसको फ्राई करवाते हैं, ग्रिल करवाते हैं। तो और एक बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें लाइव हमारे सामने जो है वो मछली जो है वो फ्राई हो रही है, इसको तवा फ्राई कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो मसाला, चाट मसाला और इस तरह का इसको सर्विंग होती है इसकी, और लाइव खाने का एक अलग ही मज़ा है। और ये आप देख रहे हैं ग्रिल जो है वो फिश जो है वो ग्रिल हो रही है लाइव, इसके ऊपर मसाला लगाया जा रहा है। और मसाला लगाने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर पूरी मैरिनेशन होती है मसाले की, फिर उसके बाद इसको कोयलों के ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाता है ग्रिल करने के लिए। तो ग्रिल लवर्स जो हैं वो आजकल तो मेजॉरिटी लोग ग्रिल फिश जो है वो लाइक कर रहे होते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये हमारे सामने जो है वो लगाने के लिए इन्होंने रख दी है और इसको पलटाते हैं और इस तरीके से ये दोनों तरफ से प्रॉपर तरीके से पक जाती है और फिर इसके ऊपर जो है मसाले। असल चीज़ जो हमें यहाँ पे खाने के बाद जो है वो आइडिया हुआ वो मसालों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कढ़ाई देख रहे हैं आप, चिकन, ये फ़िश है हमने मंगवाई, ये चिकन टिक्का है। और फ़िश की जो है वो आप मीट चेक कर सकते हैं कितना जूसी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। और जब आप मछली ट्राई कर रहे होते हैं तो इनका अलग से एक मसाला होता है, वो हम जब इसके ऊपर हमने लगाया और लगाने के बाद जब आप इसको ट्राई कर रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता, फ़िश जो है वो मज़ा इसका जो है वो और इन्हेंस हो गया था, बहुत बहुत ज़बरदस्त। मछली का जो टेस्ट है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ इनका मसाले का बहुत बड़ा गेम है, मसाला जो है वो लोग बहुत पसंद। चिकन टिक्के की बात है, ये हम लोगों ने जो है वो साइड में ऑर्डर कर दिया था चेक करने के लिए, मगर ये भी बहुत ज़बरदस्त था। अब सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद का ट्रिप जो है वो अख्तिताम पे पहुंचता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा लिया है और केक भी ले लिया है और बिरयानी भी ट्राई कर ली, टिक्का भी ट्राई कर लिया, फिश भी ट्राई कर ली और कढ़ाई भी जो है वो एक्सपीरियंस कर ली। तो अब अब्दुल्ला आदिल ओवर। वैसे मुझे वैसे मैं हैदराबाद फर्स्ट टाइम आया हूँ ब्रीज फिश पॉइंट पे, और जहाँ तक टेस्ट की बात है फ़िश की, वैसे जो मुझे लग रहा है फ़िश का जो सारा गेम है वो मुझे लग रहा है मसाले का, सारा गेम मसाले का है। इससे आपको अच्छी फ़िश आपको कराची में मिल सकती है, मगर अगर आपने मसाला और उसके साथ ही फ़िश ट्राई करनी है तो मेरे ख्याल से ब्रीज़ का जो जिसकी वजह से ब्रीज़ के लोग अगर ट्राई करते हैं वो मुझे इसका मसाला लग रहा है। अगर बगैर मसाले के ट्राई करेंगे ना तो इतनी फ़िश के अंदर इतनी जान नहीं लगेगी, बट ये कि फ़िश में जो है वो मुझे अच्छी चीज़ें लगी कि उसका मसाला अच्छा लग रहा है, उसकी चटनी अच्छी थी, के साथ साथ जो है उसके कढ़ाई के अंदर इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं था। तो मेरी तरफ से फिश को जो है वो हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में मिल जाए।